स्क्वायर रूट ऑफ 200 कितना होता है, अभी हम कैलकुलेट करना देखेंगे। तो स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, अपना अनरूट से लिखते हैं, और अनरूट का मतलब क्या होता है, इसका घात 1/2। देखिए, यदि आप बेसिक से सीखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी ये सारी चीज़ें, तो आप जानते हैं। तो हम 200 के गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा, 2 × 100 आ जाएगा। और अब हम इनका अलग अलग अनरूट लिख सकते हैं, ठीक है। 100 का अनरूट कितना होता है आप जानते हैं, 10 होता है। अनरूट 2 आपका अनरूट 2 ही रहेगा, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना था, हम अपना डिवीजन मेथड काम में लेंगे, या सिंपल है, यहाँ पे अनरूट 2 का जो वैल्यू है वो रख दो और गुणा कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, आसान है। तो अपना डिवीजन मेथड से कैसे कैलकुलेशन करना है वो हम समझते हैं, करना क्या है। तो यहाँ पर हमने राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट साथ ले अंडरलाइन, आगे में एक डिजिट की नंबर आ रहा है, कितना 2। इस 2 के लिए 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने पर इस 2 से बड़ा ना हो। जैसे 1 × 1 लिया, 1 आ रहा है, इसको ऊपर लिख देना है। अगले स्टेप में इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, ऊपर से हमने 2 0 यहाँ नीचे ले आना है। अब इसके साथ जैसे हम 4 लेते हैं, 4 का गुणा करते हैं, 416, 1 + 8 = 9, इसको लिया 4 को, तो यहाँ लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको घटाना होता है और इसको जोड़ना होता है। अब हम क्या करें, किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.00000, यस। आगे के 0 को काम में लेने के लिए हमें इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट यहाँ जाता है और आगे के 0 हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे 1 लिया, 1 का गुणा किया तो कितना रहे, 281, 1 को यहाँ लिख दो। अगले स्टेप में वही घटाना है और जोड़ना है, घटाने में कितना रहे, 9 1 और 1, ऊपर से हम 2 0 यहाँ नीचे ले आते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें, किससे बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। तो जैसे मैं ट्राई करता हूँ, 4 लिया, 4 का गुणा किया, 416, 1 + 8 = 9, 4 × 8 = 32, 3 + 1 = 8 × 3 = 11, तो किसको लिया हमने, 4 को, तो 4 का गुणा किया कितना आ रहा है हमारे पास, 11,296 आ रहा है। फिर वही घटाना है और जोड़ना है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आप और भी आगे कर सकते हैं और आगे की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यह जो वैल्यू निकला है कितना आपका, 14.14, ये आपका 200 का वर्गमूल है। ओके, आसान है। अब इसका आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। धन्यवाद।